अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपको वसीब वेब टीवी चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डेरा गाजी खान में। ये इस इलाके में दिल का पहला बड़ा अस्पताल है जिसको साबिका दौर हुकूमत में बनाया गया। इससे पहले डेरा इस्माइल खान से कश्मीर तक दिल के मरीजों को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना था, क्योंकि मुल्ताना लाहौर जाने के लिए दिल के मरीजों को काफी लंबा सफर करना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस इलाके के मरीजों के लिए एक शानदार अस्पताल डेरा गाजी खान में मौजूद है। इस अस्पताल से न सिर्फ जनूबी पंजाब के मरीजों को फायदा होगा बल्कि बलूचिस्तान और सिंध के मुलहका इलाके के मरीज भी इससे मुस्तफीद होंगे। चलिए अंदर और देखते और जानते हैं इस अस्पताल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त सरदार फतेह मोहम्मद खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अपनी सर्विसेज के हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। मैं इसमें यह है कि हमारा हॉस्पिटल 20 मार्च को इनागोरेट हुआ है। हमारी ओपीडी सर्विसेज अभी बहाल हो गई हुई हैं। हमारे पास ओपीडी सर्विसेज के हवाले से ईसीजी, ईटीटी, इकोकार्डियोग्राफी और इनिशियली जो हमारी ओपीडी की लैब की फैसिलिटीज़ हैं वो फंक्शनल हैं, 100% हमारे पास अवेलेबल हैं। और जितने पेशेंट्स को हमारे पास मेडिसिन एडवाइज़ की जाती है वो 100% फ्री ऑफ कास्ट सारे पेशेंट्स को मिल रही है। अब तक हम कोई 3000 से ऊपर पेशेंट अब देख चुके हैं, उसमें 300+ हमारी इकोकार्डियोग्राफीज़ हो चुकी हैं और ऐसे ही हमारी ईसीजीज भी हो चुकी हैं, और 3000+ पेशेंट्स को हम फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन भी दे चुके हैं। और नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि नेक्स्ट मंथ में हम एंजियोग्राफी भी शुरू करने जा रहे हैं। उससे हमारे जो इस एरिया के रिमोट एरिया के जितने पेशेंट हैं जिनको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, कई महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है, होपफुली इंशाल्लाह वो सर्विसेज हम डीजी खान में देंगे, अपने पेशेंट्स को अर्ली फैसिलिटेट कर सकेंगे और उनको दिल के अमराज से इंशाल्लाह जल्द निकाल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।